हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाई ये ग्रीन चटनी। ये बहुत ही ज्यादा चटाकेदार और टेस्टी होती है। ये वही चटनी है जो हम दही बड़ा, चाट या फिर पकौड़े के साथ खाते हैं या सैंडविचेस में भी यूज करते हैं। मीन्स ये पूरी मल्टीपर्पज चटनी बनेगी। तो आइए इसे कैसे बनाना है देख शुरू करते हैं। ग्रीन चटनी बनाने के लिए हमें एक ग्राइंडर जार ले लेना है। उसमें मैं ऐड करूंगी ये एक कटोरी धनिया, कटा हुआ धनिया है पूरा एक कटोरी। अगर आपने एक कटोरी धनिया लिया या एक कप धनिया लिया है तो 1/4 कप लेना होता है ये पुदीना पत्ता। और साथ में 2 मिर्च ली है मैंने, ग्रीन मिर्च, और ये 1/2 इंच टुकड़ा है अदरक का, ये भी ऐड कर देंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। ये 1/2 टीस्पून से भी कम है जीरा। और साथ ही में मैंने लिया है काला नमक और ये प्लेन सॉल्ट, ये भी 1/2 टीस्पून है दोनों भी। और साथ में मैंने लिया है ये चाट मसाला पाउडर, ये भी 1/2 टीस्पून लेना है हमें। और थोड़ी सी चीनी, अगर आपको मीठा टेस्ट थोड़ा पसंद है ग्रीन चटनी में तो ऐड कीजिए, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। साथ में है ये दही, ये ना ही ज्यादा खट्टा है और ना ही ज्यादा एकदम मीठा है, तो ये थोड़ा हमें एकदम फ्रेश दही लेना है। 1 या 2 स्पून पानी ऐड करके ये अच्छे से हमें स्मूथ पेस्ट बना लेना है इसका। एकदम स्मूथ पेस्ट मैंने पीस लिया है और ये चटनी बनके रेडी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत खट्टी चटाकेदार होती है ये चटनी। तो अगर ये चटनी की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा मेरे वीडियो को, और मिलती हूँ एक नए रेसिपी के साथ।